Hello folks, welcome to Hogwarts India. My name is Komal and a very warm namaste to everyone of you. प्रोडक्ट का रिव्यू बहुत जगह फेमस हो चुका है, बहुत जगह आप लोगों ने देखा भी होगा, एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, साइट पर देखा होगा, नायका पर देखा होगा, फ्लिपकार्ट पर देखा होगा। चलो तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं टाइटल तो आपको पूरा सही किया होगा कि मैं जिस चीज़ का आपको रिव्यू देने वाली हूँ वो है ये हाइलाइटर जो कि है स्विफ्ट ब्यूटी का प्रोफेशनल ब्लशर। तो ये पता नहीं क्यों उन्होंने इसका नाम ब्लशर रखा है, आई डोंट नो, बट शायद हो सकता है कि इसमें ब्लशर के शेड्स भी अवेलेबल हैं तो इसलिए उन्होंने इसका नाम ब्लशर रखा है। बट इसका पूरा नाम है स्विस ब्यूटी प्रोफेशनल ब्लशर, कुछ इस तरह की ब्लिंगी ब्लिंगी इसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अट्रैक्टिव इसकी पैकेजिंग है। सबसे पहले तो आउटर बॉक्स की आप पैकेजिंग देख लो, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है क्योंकि आप जो शेड देख सको तो यहाँ पर डिजाइनिंग रखी है। पीछे इस पर इंग्रेडिएंट्स भी दे रखे हैं जो कि आप ऐसे शायद ही पढ़ पाओ। इसमें पैराबिन है इसमें पैराबिन, बट आप गूगल कर सकते हो, पैराबिन इज नॉट दैट हार्मफुल फॉर योर स्किन, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो इट्स मेड इन टीआरसी एंड इसका जो प्राइस है इट रिटेल्स फॉर एमआरपी हाँ इसका एमआरपी बॉक्स पे ही मेंशन है 249 रुपीज़, बट आपको ये ऑनलाइन 218, 220, 224 ऐसे समथिंग मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस पे। हो सकता है आपके लोकल स्टोर पर आपको इससे कम में मिल जाए और लोकल स्टोर से भी ये इजीली अवेलेबल हो सकता है, अभी शायद ना हो, थोड़ा टाइम बाद हो जाए। बट इसके सारे इसके डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, अगर आप इसे ऑनलाइन सर्च करोगे तो प्लीज़ हाँ स्विस ब्यूटी प्रोफेशनल ब्लशर लिख के ही सर्च करना तो ही आपको ये मिलेगा। वैसे तो मैं आपको लिंक लेके प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी खरीद सकते हो एंड आपको आसानी हो जाएगी, वरना ये इतनी आसानी से मिल नहीं रहा है हाईलाइटर लिख के सर्च करने पे। एंड अगर आप लोगों शॉप से खरीदते हो तो आज दिन के ब्लशर हाईलाइटर स्विस ब्यूटी का यू वांट। ठीक है, तो इसमें मेरा जो शेड है वो लिखा हुआ है 04 सिल्वर, बट आई डोंट नो बॉक्स रिप्लेस हो गया है या फिर सच में सिल्वर ही इसका नाम है। मैं अंदर देखती हूँ, नहीं हाँ बॉक्स मेरा रिप्लेस हो चुका है, एक्चुअली इसमें बॉक्स सिल्वर वाला आ गया है, बट मेरा जो इसमें शेड है मेरा जो इसमें शेड है वो है गोल्डन, यहाँ लिखा हुआ है 01, बारकोड वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। नेट वेट इसका है 6 ग्राम, यहाँ पर बहुत छोटू सा लिखा है, आपको शायद दिख रहा हो। तो बहुत प्यारी चीज़ की पैकेजिंग है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है, काफ़ी अच्छी मुझे लगी इसकी पैकेजिंग। एंड यार पैकेजिंग में मुझे कुछ ज़्यादा फैंसी चीज़ें पसंद भी नहीं है, आपके सिर्फ प्रोडक्ट सेफ रहे और अच्छा दिखे बस ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए। तो इसमें मिल जाती है कि कितना प्यारा है ये हाईलाइटर, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस हाईलाइटर। मार्केट में और भी हाईलाइटर्स अवेलेबल हैं बट मुझे लगता है ये अच्छी क्वालिटी के साथ काफ़ी सस्ता हाईलाइटर है। सारे हाईलाइटर आई गेस अच्छे ब्रांड्स के हाईलाइटर 300 और अबव 300 से ही स्टार्ट होते हैं, बट दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस, मुझे बहुत पसंद आया। इसमें मेरा शेड है 01 गोल्डन, मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं इसकी पिगमेंटेशन आपको दिखा देती हूँ, सी बॉम आपको लगा के दिखाती हूँ कितना प्यारा, मतलब ये एक स्ट्रोक है, जस्ट एक स्ट्रोक, और आप देखो कितना प्यारा हाईलाइटर है ये, कि आप अपने आई शैडो की तरह। और मैंने इसको यहाँ पर लगाया भी हुआ है, वीडियो क्लिप में आपको इंसर्ट कर दूँगी जब मैंने हाईलाइटर लगाया था, अभी भी लगाया है, कल भी लगाया था, आपको दिखाने के लिए सो दैट आपको पता चल जाए। इसमें आपको 12 ब्रिलियंट शेड्स मिल जाएंगे
एंड उस 12 शेड्स में आपको हाइलाइटर भी मिलेंगे, ब्लशर भी मिलेंगे एंड ब्रॉन्जर भी मिल जाएगा। तो आप खरीद सकते हो अपने विश के अकॉर्डिंग कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब उसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। कुछ हाइलाइटर्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा एक ये हाइलाइटर है जो कि कुछ ऐसा है, और जब आप इसको ब्लेंड करते हो तो उसके पार्टिकल्स उड़ जाते हैं। अभी आपको कैमरे में सही से समझ में ना भी आ पाए, पर जब आप इसको अप्लाई करते हो तो उसके पार्टिकल्स उड़ते हैं और एक जगह आपके दिखते नहीं, जिससे ग्लो नहीं आता। तो वो हाइलाइटर नहीं है, इसके पार्टिकल्स बहुत माइन्यूट हैं, बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट है ये, और बहुत ही क्लीन फिनिश के साथ है। और आपको नॉर्मली भी अगर आप लगाओगे ना कुछ हाइलाइटर तो भी ये बहुत ज़्यादा वो होता है ना, मेकअप काइंड ऑफ नहीं लगेगा, ड्यू फिनिश भी दे देगा आपको अगर आप इसको नॉर्मल अमाउंट में लगाओगे तो। मुझे ये हाइलाइटर बहुत पसंद आया। अगर आप मुझसे पूछते हो इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो आपको इसे डेफिनेटली खरीदना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे इतना अच्छा हाइलाइटर नहीं मिलेगा, प्लस में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा क्वालिटी भी है इसकी, लॉन्ग लास्ट करता है। इसलिए कि मैंने अभी लगाया और छूट गया, उड़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत अच्छा है, और इस तरह से हाथ लगाऊंगा तो पतले कॉपी तो फिसलती नहीं है। इतना हाइलाइटर जितना सॉफ्ट होगा उतना प्यारा ग्लो देगा। हाइलाइटर खरीदने से पहले ये बात ध्यान रखना कि हाइलाइटर जितना सॉफ्ट होगा उतना अच्छा ग्लो देगा, एंड जितना फाइन उसके पार्टिकल्स होंगे उतना अच्छा और ड्यूरी लगेगा आपके फेस पर। और इसलिए वो दोनों की चीज़ मौजूद है। प्राइस पॉइंट इसका बहुत अच्छा है, जस्ट फॉर 249 है, बट आपको इससे कम में मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा सजल सा ग्लो देता है। तो गाइस, पैकेजिंग मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, बट ये जो है प्लास्टिक है, अगर ये गिर जाएगा तो ये टूटेगा, मतलब सेफ नहीं है। आप इसको थोड़ा ना ध्यान से हैंडल करोगे तो चलेगा, अदरवाइज इतना मतलब ऐसी पैकेजिंग है, आप देख सकते हो। मैंने वही बताया ना, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है पैकेजिंग, और ये बंद हो जाता है तो इस तरह से साइज कितना है आपके पर्स में आ जाएगा आराम से। बट मुझे इसका नाम तो कुछ समझ में नहीं आया, वाइट इज कॉल्ड एज ब्लशर, बट जस्ट लव दिस हाइलाइटर। और मैं आपको फेस पर लगा के दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं ब्रश से लगा के आपको एक लिप इंसर्ट कर ही दूँगी, बट मैं आपको फिंगर से लगा के ये हाइलाइटर दिखाती हूँ, जहाँ लगाती हूँ है ना ग्लो। तो मैं इसको अपनी आई से भी लगाऊँ, ग्लो कितना प्यारा है ये हाइलाइटर। ऑलरेडी मैंने इस पर लगा हुआ है, कितना प्यारा ग्लो देता है, मैंने आपको दिखा दिया। डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हो, और अगर आपको इस हाइलाइटर को लेकर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी जो आप इस वीडियो में फ्रीली कमेंट कर सकते हो, खरीदो, मेकअप करो, पिक्चर्स अपलोड करो, मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब ओवर हियर, एंड वीडियो को लाइक कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करना कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो। So guys, I hope this review was helpful for you guys, और आपको कुछ और प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है वो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।